फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मैथ्स एंड मोर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन पर क्लिक करके मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उस पर भी प्रेस कर दीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो कैलकुलेट द करेंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। फटाफट ओम्स लॉ लगाते हैं और निकालते हैं वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये होता है हमारा ओम्स लॉ। तो I1 कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस R1 के लिए, तो V तो सेम रहेगा क्योंकि तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन में R1, और वैसे ही I2 हो जाएगा V अपॉन में R2, और वैसे ही I3 हो जाएगा V अपॉन में R3। I1 रेजिस्टेंस 1 के लिए, I2 रेजिस्टेंस 2 के लिए, I3 रेजिस्टेंस 3 के लिए। तो I1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V कितना है 6 वोल्ट, 6 अपॉन में 5, ये I1 हो गया। I2 कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 6, 10 अपॉन में 6, और I3 कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 6। और अब जब I1 प्लस I2 प्लस I3 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 एम्पेयर। सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ ताकि टाइम बचे वीडियो का। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 1.2, और सॉरी यहाँ पे आएगा 6 अपॉन में 10, क्योंकि V जो है वो 6 है और यहाँ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन में 30। थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे आ जाएगा 6 अपॉन में 30। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि जो V था वो 6 था, ऊपर तो सब जगह 6 आना चाहिए, नीचे एक बारी 5 आएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर एक बारी 30 आ जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करोगे जो करंट की वैल्यू आएगी वो 2 एम्पेयर्स आएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 1 में हो जाएगा 1.2 एम्पेयर, इसमें हो जाएगा 0.6 एम्पेयर, और इसमें हो जाएगा 6/30 एम्पेयर। फिर पूछा था द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, इन तीनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का पता चल जाएगा। कैसे ऐड करना है, तीनों किस में लगे हुए हैं पैरेलल में। तो या तो एक ये तरीका है कि डायरेक्टली आप करो भाई टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, या फिर एक और क्या तरीका है, आपने टोटल इफेक्टिव करंट निकाल दिया और आपको वोल्टेज पता है तो V इज इक्वल टू I इंटू R में पुट कर दो भाई। V कितना है 6 है, I कितना है, I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर है, तो यहाँ पर 2 एम्पेयर आप वैल्यू पुट कर दो तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ओम्स। या तो एक ये तरीका है, इससे भी सॉल्व करोगे तब भी 3 ओम्स ही आएगा। सो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। फ्रेंड्स, जब आप हमारे मैथ्स एंड मोर चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, तो उसमें क्लास 10th का 2019 का पूरा सैंपल पेपर आपको साइंस का सॉल्व मिलेगा। इस तीनों वीडियो की सीरीज़ को ज़रूर देखिए जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी आपको बोर्ड की प्रिपरेशन में। और फ्रेंड्स, वैसे ही क्लास 10th के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, सारे के सारे मैं बता के अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो सीरीज़ भी देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, और जो आखिरी का सेक्शन होता है जिसमें 6 सवाल होते हैं 2 नंबर के सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और वैसे ही जब आप हमारे चैनल के होम टैब पर आएंगे तो आपको क्लास 10th के बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का बोर्ड का रिविज़न का, सारे के सारे सैम्पल पेपर। तो ये सारी वीडियो सीरीज़ भी आप चेक करिए। और वैसे ही फ्रेंड्स, 2018 का भी सैंपल पेपर मैंने साइंस का पूरा सॉल्व करके डाल रखा है, वो भी 3 पार्ट्स में है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे ही है। ठीक है, और फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए मैंने ये चीज़ आपको ओपन करके बताई है कि क्लास 10th की बोर्ड की मैंने रिविज़न की सीरीज़ बना रखी है जिसके अंदर 300 से 400 सवाल 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के मैं ऑलरेडी बता के अपलोड कर चुका हूँ। मोस्ट आस्क क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इन सबको आप ज़रूर देखिएगा, बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, instamojo.com करके एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कम्बाइंड नोट्स, बायो के नोट्स, केमिस्ट्री के नोट्स, वैसे ही मैंने फिजिक्स के नोट्स अपलोड कर रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए। फ्रेंड्स, ये आपको बोर्ड की तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जो बच्चा पास नहीं हो पा रहा है उसको पास होने में हेल्प करेंगे, आपके जो टॉपिक में गैप हो जाती है उसकी फिलिंग करेंगे। तो आप इन नोट्स को भी चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट सवाल इधर हैं।